हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। आई एम देवेश, और जैसा आप देख सकते हैं मैंने टाटा क्लिक से कुछ मंगवाया। वैसे आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैंने एक SSD मंगवाई है, तो इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ कि SSD क्या होती है और उसके क्या फायदे होते हैं। सो लेट्स अनबॉक्स इट। तो ये है HP की SSD जो कि 250 GB की है। तो मैं थोड़ा सा आपको SSDs के बारे में फटाफट से बता देता हूँ कि SSD क्या होती है। सबसे पहले SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। बेसिकली ये जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वैसे ही काम करती है, वही चीज़ है, बट टेक्नोलॉजी एकदम अलग है। अब हमें ये क्यों लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क? सबसे पहली बात, ये बहुत ही लाइट वेट होती है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा लाइट है। दूसरी बात, ये बहुत कम बैटरी खाती है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है और फिर मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। तो ये HP की SSD है, S700 करके मॉडल है, 2.5 करके 250 GB वाली है ये। और इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि हाई परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, साइलेंट और पावर सेविंग वाली है। साइलेंट इसलिए क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट नहीं होते, वो भी मैं बताऊंगा। और एक हमें HP की सील मिल जाती है, हम क्या बोल सकते हैं, HP का लोगो मिल जाता है इस वे में, जो इसकी अथेंटिसिटी की पहचान करता है। यहाँ पर भी सील है और यहाँ पर भी सील है, तो ये पूरी सील्ड है। बैक पे हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके बारे में, थोड़ा चाइनीज़ में, थोड़ा इंग्लिश में, और इसका बारकोड्स वगैरह मिल जाते हैं। और इसका अगर आप प्राइस देखें, इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, 6500 रुपीज़ है, बट मुझे सिर्फ इस 2700 रुपये की बढ़ी है 2700 की, और वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर देते हैं, इसकी सील खोल के। तो ये है हमारी HP की SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको बाद में देखेंगे। ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा स्क्रूज आते हैं, 4 स्क्रूज, क्योंकि अगर आपने लगानी है तो स्क्रूज के साथ लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये हिलनी नहीं चाहिए। अगर आप लैपटॉप या कहीं भी लगा रहे हैं तो अगर ये हिलती है तो दिक्कत हो सकती है। बहुत ही बढ़िया है देखने को, और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये तो है, और ये मेटल केसिंग के साथ आते हैं, और अगर आप देखें इसका पोर्ट एकदम सेम है जो इंटरनल हार्ड डिस्क का होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें SSD क्यों प्रेफर करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क, और क्यों अब सारी जो कंपनीज हैं वो SSDs डाल रही हैं, हार्ड डिस्क नहीं डाल रही। अब आप लोगों को पता होगा जितने भी महंगे लैपटॉप्स आते हैं, इनफैक्ट जो मैकबुक्स भी आती है, जो एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं, वो सब भी अब SSD डाल रहे हैं, ये वाली नहीं दूसरी वाली, बट वो SSDs डाल रहे हैं, अब हार्ड डिस्क नहीं डाल रहे। पहले के लैपटॉप्स में हार्ड डिस्क आता था, बट अब SSDs आ रही है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट लाते हैं। वैसे तो SSDs काफ़ी टाइप की आती है, बट जो दो तीन मेन टाइप की है वो 2.5 सेटा, M.2 सेटा और NVMe टाइप आती है। अब ये जो है ये सेटा SSD है। अब सेटा SSD इसमें वैसे अंदर तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी हल्की है। यहाँ पे बस एक छोटी सी चिप होती है इसमें, काफ़ी छोटी चिप। ये बड़ी केसिंग सिर्फ हार्ड डिस्क की जगह पर फिट होने के लिए होती है, सेटा के पोर्ट में फिट होने के लिए होती है। अभी जो साटा SSD है ये अलग है, एक M.2 सेटा आती है, वो थोड़ी छोटी चिप जैसी होती है, वो M.2 पोर्ट में लगती है। एक M.2 NVMe आती है, वो भी काफी छोटी होती है। एक PCIe वाली भी आती है जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। तो वो काफी अच्छी SSDs और इससे साटा से काफी ज्यादा फास्ट होती है। अब वो क्यों लगाते हैं? सबसे पहली बात, स्पीड बहुत ही जबरदस्त स्पीड देती है। मतलब अगर आप ये वाली भी लगाते हैं 500 से 600 MB/s की स्पीड दे देती है। अगर आप M.2 लगाते हैं वो 2-3 GB तक भी चली जाती है, मींस उसकी स्पीड GB/s है। बाकी प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है, बट हाँ मेमोरी स्टोरेज भी बहुत मैटर करती है। तो इसकी भी स्पीड 500-600 MB होती है, वेयरएज हार्ड डिस्क की स्पीड आपकी 100-150, अगर बहुत ही अच्छी हार्ड डिस्क है तो बाय चांस 200 MB तक चली जाएगी मैक्स। तो स्पीड के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, मींस हैवी ड्यूटी, हैवी स्पीड वाले काम करने के लिए SSDs बहुत ज़रूरी होती है, बट ये हार्ड डिस्क से महंगी आती है। लेट्स से अगर आपकी 2 TB की हार्ड डिस्क 5-6 हज़ार की आ रही है, तो 5-6 हज़ार की आपकी सिर्फ 250 GB या फिर 500 GB तक आपको SSD आएगी। ऑफर मिलेगा तो 500 GB, वैसे 250 GB तक आती है 4-5 हज़ार की SSD, वेरस 2 TB आती है हार्ड डिस्क। इंटरनल शायद थोड़ी महंगी होगी, बट एक्सटर्नल तो 2 TB की इतनी सस्ती आ जाती है 6 हज़ार तक की, 5-6 हज़ार की। प्राइस एक डिसएडवांटेज है, प्राइस की बहुत महंगी होती है, बट जो ये चीज़ें देती है बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं आपको बता रहा था ये लाइट है, लाइट ये बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप इसको या M.2 को भी अपने लैपटॉप में डालते हैं, अगर वो सपोर्ट करता है M.2, तो ये बहुत ही लाइट है, आपके लैपटॉप का वेट घट जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क भारी होती है, उसमें बहुत कंपोनेंट होते हैं। दूसरी बात, इसके डब्बे में साइलेंट लिखा था, उसका क्या मतलब होता है? अब जो हार्ड डिस्क होती है ना, उसमें एक
मूविंग पार्ट होता है बेसिकली, उसमें छोटी सी सीडी टाइप होती है, कुछ सीडी तो नहीं है, इक्विपमेंट होता है बट दिखता वो सीडी की तरह, और उसके ऊपर आर्म होती है और वो हिल हिल के रीड कर रही होती है बार बार सीडी को, तो वो मूविंग पार्ट होता है। तो सबसे पहली बात, इसीलिए वो भारी भी होती है और साउंड भी करता है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, आप बस बड़ा मेमोरी कार्ड समझ लीजिए, जैसे हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं वैसे ही बड़ा साइज में, तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए साउंड भी नहीं करती है और लाइट भी इसीलिए है। ऑन दी अदर हैंड, ये बैटरी भी बहुत कम खाती है। अब जब मूविंग पार्ट है ही नहीं, कोई चीज़ मूव हो ही नहीं रही, मोटर मीन्स अब आपकी जो ये बैटरी है उतनी ज़्यादा ले ही नहीं रही, तो ये बैटरी भी बहुत बचाती है, अच्छा बैटरी बैकअप देती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई पुराना लैपटॉप है तो क्या आप उसमें लगा सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल लगा सकते हैं और आपका लैपटॉप बहुत ज़बरदस्त चलेगा। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है हाउ टू मेक योर लैपटॉप फास्टर, उसमें मैंने यही डाली हुई है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने पूरा बताया कि लैपटॉप फास्ट कैसे करें। मेरा लैपटॉप जो 30-40 सेकंड ऑन होने में लेता था, 30 से 40 सेकंड्स, अब सिर्फ 3 सेकंड लेता है ऑन होने के लिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें मैंने विंडोज डाल दी थी। और ऐसा मत सोचिए कि अगर आप ये लगाएंगे लैपटॉप में तो आपकी दूसरी स्टोरेज जो आपकी हार्ड डिस्क होगी वो बर्बाद हो जाएगी, उसका भी मैंने एक तरीका बताया है उसी वीडियो में, तो आप चेक कर लीजिएगा, आपका हार्ड डिस्क की स्टोरेज भी नहीं बर्बाद होगी और ये भी यूज़ कर पाएंगे, तो जो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो आप ये लगा सकते हो और ये यूज़ भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल भी आती है बट वो बहुत कॉस्टली है, सैमसंग वगैरह की आती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ये पुरानी होती जाएगी, ये सस्ती होती जाएगी। पहले तो बहुत ही महंगी होती थी बट ये अब सस्ती हो रही है और आगे शायद और भी सस्ती हो जाए, तो जो अफोर्ड कर सकता है उनको ये लेनी चाहिए, लगानी चाहिए, आपका लैपटॉप बहुत ज़बरदस्त चलेगा। या आपको एक्सटर्नली भी यूज़ करनी है तो भी बहुत ज़बरदस्त चलती है। तो SSD इसीलिए होती है। वैसे इसके बहुत सारा डिफरेंस होता है और बहुत सारा और चीज़ें होती है बट मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो फिर टेक्निकल हो जाता है। बट हाँ जी, यही थी हमारी SSD के ऊपर वीडियो। अब लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सस्ती कैसे मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने टाटा क्लिक से मंगवाई है, तो टाटा क्लिक पे सस्ती मिल रही है। अब अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट चेक करेंगे तो उधर 120 GB है, बहुत सारी स्टोरेज में आती है, 120, 240, 250, और वो स्टोरेज के अलावा भी स्पीड अलग होती है। लाइक 120 और 240 वाली थोड़ी सी कम स्पीड देगी, 250 वाली की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। लेट्स से 120 या 240 GB वाली आपको 400 या 500 देगी MB/s, बट ये लेट्स से 250 वाली या फिर आपको 1 TB वाली 500-600 MB/s देगी, तो स्पीड का भी फर्क होता है। तो ये जो मॉडल है ये मैंने स्पीड की वजह से लिया है। इसमें एक और मॉडल आता है जो थोड़ा सा लोअर है बट वो स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं देता है, तो मैंने ये वाला मॉडल सिर्फ स्पीड की वजह से लिया। तो आपको WD की भी बहुत सारी देखने को मिल जाएगी, 120 GB, 240 GB, और वो ग्रीन कलर और ब्लैक कलर की आती है और उनकी स्पीड बहुत अच्छी है। बट एक 250 GB की WD की है, वो ब्लू कलर की है, उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मीन्स वो 10 GB एक्स्ट्रा के साथ आपको स्पीड भी बहुत मिलती है। बट ये जो मैंने ली, ये भी उस WD ब्लू के बराबर है, बल्कि उससे शायद बेटर ही है, 250 GB की है ये। अब ये मुझे सिर्फ 2700 रुपये की पड़ी है, आपको कैसे पड़ेगी? आप टाटा क्लिक पर जाइए, और जगह ये आपको 3600-4000 की मिलेगी, बट टाटा क्लिक पे 3600 की जगह आपको 3300 के आसपास मिल जाएगी, 3300। और उसके बाद अगर आप कार्ड के ऑफर लगाते हैं, क्योंकि उसमें वीकेंड्स या और दिन भी ऑफर चले होते हैं, वीकेंड पे ICICI का ऑफर चला होता है और भी ऑफर चले होते हैं, अगर आप वो ऑफर्स लगाते हैं तो ये आपको 2600-2700, कई बार 2400 तक की भी मिल सकती है। यही थी मेरी वीडियो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़, थैंक यू।